मैं कहूंगी गणपति बाप्पा मोरिया। अच्छा गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। मेरे मन मंदिर में तू भगवान रहे, मेरे दुख से तू कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। मैं मेरे पास इस साल सिर्फ एक ही दिन रहा 24 घंटे में मैंने, क्योंकि परसों मैं लुधियाना कोर्ट में थी, मेरी बेल हो रही थी और मुझे सरेंडर करने के लिए कहा था। बप्पा को मैंने कहा, बप्पा या तो मैं तेरी पूजा करूंगी या तो मैं जेल में नहीं जाऊंगी। बप्पा को मैंने कहा मेरी लुधियाना कोर्ट में मेरी बेल करा दो बप्पा, अगर आप चाहते हो कि मैं सच्चे हृदय से मैं आपकी पूजा करूं बप्पा। तो बताएं मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, दो जमानती थे वो भाग गए एंड आई वॉज सो सैड। मैं यहाँ से लिटरली चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ से लुधियाना गई थी वन ऑफ माई केस के लिए एंड और पता नहीं कहाँ से दो जमानती आ गए अपने पेपर लेकर। यू नो ये मेरे साथ चमत्कार हुआ बप्पा,
हे ईश्वर, मेरे साथ दो जमानती पता नहीं कहाँ से आए, मेरी जमानत हो गई और बस कल सुबह सुबह मैं आई और एक दिन में मैं गणपति बप्पा को ले आई, पूरा सजाया। और मैं हर साल बप्पा को 56 भोग खिलाती हूँ, साल में एक ही बार खाना पकाती हूँ, दाल जी, चावल, पूरी, खीर, हलवा, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा और जितनी भी वेजिटेबल्स होती है यू नो, वो सब मिक्स वेजिटेबल्स। और सबसे बेस्ट जो गणपति को पसंद है वो है मोदक। बप्पा को 56 भोग तो खिलाती हूँ, लेकिन जब तक मैं मोदक ना दे दूँ तब तक उनके हाथों से और पेट से, कहते हैं ना, आशीर्वाद नहीं निकलता। गणपति जी को तो मोदक बहुत पसंद है, आपको कितना मोदक पसंद है, कितना आप मोदक खाती हैं? डेफिनेटली मुझे मोदक बहुत पसंद है। एक्चुअली हम लोग महाराष्ट्र में, तो हम लोग मार्केट के मोदक तो लाते ही है, लेकिन हम लोग उकड़ ले ले मोदक जिसको कहते हैं, हम लोग घर में खुद बनाते हैं। तो आज आप लोग थोड़ा जल्दी आ गए, मैं अभी सब बनाने ही जा रही हूँ। एंड आई विश के देश की जनता को मेरा एक अलग रूप भी दिखाएं आप, कि मैं कितनी भारतीय हूँ और कितनी घरेलू हूँ। आइटम सॉन्ग्स अपना काम तो एक अलग होता है, यू नो, फिल्मों में एक मैं वो मैं अलग किरदार हूँ, घर में तो एक साधारण सिंपल सी राखी सावंत, एक सिंपल सी लड़की हूँ जो खाना बनाना भी जानती है, जो गणपति की पूजा भी करना करना जानती है, जो सबको वेलकम करना भी जानती है, सब कुछ आता है मुझे। पीछे से अच्छा कैमरा लो, सब लेता रहे, हाँ, कट कट करके पूरा इस तरफ भी आना बेटा, उनका ले, उनका चाहिए मुझे। मैं आपको सच बताऊं, इस बार मुझे माफ़ करें देश की जनता, इस बार मैंने देश की जनता के लिए कुछ नहीं मांगा, इस बार सिर्फ मैंने अपने लिए मांगा, क्योंकि मैं अमेरिका में फर्स्ट टाइम आपको सबको बताने जा रही हूँ कि मैं अमेरिका में सेटल तो नहीं कहेंगे, 4 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, मैं अपनी डांस एकेडमी राखी सावंत डांस एकेडमी अमेरिका में खोलने जा रही हूँ, और मेरा अपना रेडियो स्टेशन हो रहा है वहाँ पे, बॉलीवुड टू हॉलीवुड, हॉलीवुड से सब लोग बॉलीवुड में आते हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो। तो बॉलीवुड से मैं हॉलीवुड में जा रही हूँ, तीखी मिर्ची, स्पाइस एंड हॉट, राखी सावंत इन अमेरिका इन US। और एक गुड न्यूज़ है कि इन अमेरिका मेरा स्वयंवर पार्ट 2 इन USA होने जा रहा है। सो ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोग को बप्पा के सामने ये न्यूज़ दे रही हूँ, और बहुत सारी खुशखबरी आए इस साल मेरे लिए। मतलब दुख नहीं कहूँगी कि हमारा मार्केट जो बॉलीवुड का अभी फिलहाल थोड़ा सा करेंसी चेंज की वजह से थोड़ा सा यू नो GST इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लोग टेंशन में हैं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपने डांस क्लासेस, जो मेरे इतने फैंस अमेरिका में, 10 सिटी में मेरे डांस क्लासेस खुल रहे हैं, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, डैलस, फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, शिकागो, हर जगह मेरे डांस क्लासेस, राखी सावंत डांस एकेडमी और मेरा रेडियो स्टेशन। और अमेरिका में मैं स्वयंवर करने जा रही हूँ, शायद मुझे कोई अच्छा NRI मिल जाए, लेकिन उसमें सभी जाति के लोग होंगे, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चाइना के हो, चाहे भूटान के हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, सभी लोग इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए हम लोग ने अमेरिका में USA यूनाइटेड किंगडम यू नो USA, तो वहाँ पे सब लोग मिलके रहते हैं, तो मेरे स्वयंवर में हर कोई पार्ट लेगा और मेरे रेडियो स्टेशन पे सब आएंगे। तो बप्पा से ये कह रही हूँ कि बप्पा अब बस हो गया, अब कोई मिला दो NRI। पिछले कितने सालों से बप्पा आपके घर पे विराजमान हो रहे हैं? मेरे घर में बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब से मेरे पापा मम्मी सब लोग गणपति बापा लाते थे, और एक परंपरा हम चला रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी शादी करूं तो मेरी परंपरा और चलती रहे। कुछ बचपन की यादें गणपति को लेकर? हाँ, क्या हुआ? सॉरी, दिखा, क्यों दूसरा तेरा फ़ोन ले लेना, क्यों नहीं बन रहा अभी तक कुछ भी शूट? तिवारी जी, हाँ
उसमें थोड़ा ओए लड़के दूध डाल, मैं ऊपर करूंगा तो इसका भी दूध डाल दे है। तो सुन ना, राउंड यहाँ से शुरू कर पहले, देट तू सामने आ जाना, ठीक है बेटा? या ये पहले गाने से शुरू कर के फिर डायरेक्ट कंटिन्यू। बचपन की यादें ये थी कि बचपन में मैं बहुत नटखट थी, मम्मी मोदक बनाती थी तो पप्पा को भोग लगाने से पहले मैं मोदक चोरी करके भाग जाती थी, खा जाती थी। और जब भी ढोल बजते थे खूब नाचती हूँ, मेरे ढोल अभी आने वाले हैं, नासिक ढोल मैंने इस बार बुलाए हैं, आनंद करके एक बंदा है जो नासिक में नासिक ढोल है, तो उन्होंने अपना ढोल आनंद करके बंदा है जो उसने यहाँ पर भी खोल दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ढोल इस बार जो है आप मेरा डांस ज़रूर देखें। हम लोग स्पेशली ढोल पे डांस करते हैं, फुगड़ी खेलते हैं तो वो बहुत मज़ा आता है, खाना पकाते हैं और गणपति बापा की पूजा करते हैं, पंडित जी भी आने वाले हैं। वैसे तो गणपति 11 दिन की होती है, लेकिन आपके घर पे कितने दिन की? देखिए गणपति जी को संभालना, उनकी बत्ती संभालना, हर चीज़ अखंड दिया सब संभालना बहुत ही वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं कभी भी 11 दिन के कभी नहीं लाई, मैं कभी भी 11 दिन के नहीं लाई, मैं डेढ़ दिन के ही लाती हूँ, डेढ़ दिन में ही तेल निकल जाता है मेरा, अकेले संभालती हूँ। तो देखिए वैसे मैंने सभी को, भारती, कृष्णा, सुदेश जी, अनु मलिक जी, फराह खान, सारा खान, सोहिल भाई, सलमान भाई, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, पूरे बॉलीवुड को, गोविंदा जी, सबको मैंने इनविटेशन भेजा है क्योंकि उनके घर में भी गणपति बप्पा है, तो जैसे उनको वक्त मिलता है तो मेरी गुरु देबिना, जय माही और गीता कपूर, रेमो डिसोजा, जितने भी हैं बॉलीवुड को सबको मैसेज भेजा है इनविटेशन, एंड आई एम श्योर कि वो सब बप्पा का आशीर्वाद लेने मेरे घर ज़रूर आएंगे। मैं हर साल सजती हूँ, मैं हमेशा पूरा साल वेस्टर्न रहती हूँ, साल में दो बार, एक दिवाली के दिन और एक गणपति बप्पा के दिन, मैं पूरा ट्रेडिशनल, एक भारतीय जिसमें गजरा हो, मेरे गजरा हो, मेरे फूल हो, मेरी मांग टिक्का हो, मेरी चूड़ियाँ हो, मेरी नोज रिंग हो, मेरा हार हो, मेरी बिंदी हो, मेरा काजल हो, मेरा झुमका हो, ये सारी चीज़ें मैं पहनती हूँ। और हाँ एक चीज़ है, काश मैं आपको दिखा सकती, ये देखिए, ये हम लोग महाराष्ट्र है ना, तो ये देखिए ये पायल पहनी है, और ये बिछुआ कहते हैं ना, मेरा बिछुआ गाना 1920 विक्रम भट्ट की फिल्म में बहुत हिट हो गया था, तो ये बिछुआ पहने हुए या और बिल्कुल एकदम अच्छा लगता है भगवान के सामने, भगवान के सामने एक्सपोज नहीं करते। सबको ये की बात कहना चाहूँगी कि भाईचारा रखें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो हमें सबे भाईचारा रखना है, प्यार करना है एक दूसरे को, दुश्मनी को हटा देना है, क्योंकि बापा तो हमेशा इसलिए लाते हैं कि जितने भी विघ्न होते, जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, GST की प्रॉब्लम्स हो या करेंसी की प्रॉब्लम्स हो, वो सब दूर हो जाए, सारे टैक्स जो है, GST और टैक्स जो है गणपति बप्पा माफ़ करवा दे, मोदी जी के हृदय में गणपति बप्पा बैठ जाए, और सारे टैक्स जो है, बहुत ज़्यादा टैक्स जो आर्टिस्टों के लिए बने हैं स्पेशली, दूसरों के लिए भी बने हैं, वो माफ़ हो जाए और हम अच्छी ज़िंदगी जी सके, हमें हमारे देश छोड़ के किसी और देश में जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, I love my India। तो मोदी जी प्लीज़ इतने टैक्स मत बढ़ाना कि हमें हमारा देश छोड़ के कहीं और जाना पड़े, हम नहीं जाना चाहते आपके आशीर्वाद से और बप्पा के आशीर्वाद से। और बस सबके लिए एक ही बात कहूँगी कि गणेश उत्सव मनाएं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है,
और आप कुछ घर लें या कुछ भी आप करें, सबसे पहले गणेशा की पूजा की जाती है और गणेशा की पूजा की जाती है और सबके विघ्न हरते हैं गणपति बप्पा। और डेफिनेटली शाहरुख, सलमान, आमिर के लिए तो मैं हमेशा प्रे करती हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं, पूरा बॉलीवुड के लिए मैं प्रे कर रही हूँ कि हे गणपति बप्पा, बॉलीवुड पर दया करो। और जितने भी प्रोड्यूसर्स जो हैं करेंसी के चक्कर में भाग गए हैं, जीएसटी के चक्कर में भाग गए हैं, जो फिल्में बनाते थे और जो रियलिटी शोज़ टीवी पे शोज़ बनाते थे, वो फिर से आ जाए और बॉलीवुड फिर से खिल जाए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन बप्पा, तुमसे बढ़कर कौन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू। Thank you.